वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति और आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स डबल मैच। तो सबसे पहले हमने इंडेक्स मैच पढ़ा था जिसमें हम एक एक करके डाटा निकाल रहे थे, और डबल मैच में क्या होता है कि हम एक साथ अपना डाटा निकाल सकते हैं। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारा डाटा सिक्वेंस में रखना हो, तब यूज करते हैं। डबल मैच का यूज कॉलम नंबर एंड रो नंबर पता करने के लिए करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। इज इक्वल टू में इंडेक्स मैच, ये पूरा सेलेक्ट होगा इसमें एरे, एक बार लॉक किया कॉमा, रो नंबर की जगह पे हम मैच लगाएंगे, लुकअप वैल्यू ली, तीन बार लॉक किया हमने एंड उसके बाद लुकअप एरे देंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। अब कॉलम नंबर की जगह पे हम सीरियल नंबर का पोजीशन पता करेंगे, उसकी जगह पे हम दोबारा से मैच लगाएंगे। मैच लगाया, लुकअप वैल्यू देनी है। अब लुकअप वैल्यू हमारी सीरियल नंबर है क्योंकि सीरियल की पोजीशन हमें पता करनी है। ये दो बार लॉक होगी हमारी लुकअप एरे, हमारा पूरा ये ऊपर वाला सेलेक्ट होगा सीरियल नंबर से पूरा हेडिंग। एक बार लॉक करना है शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ कॉमा जीरो, कॉमा जीरो नहीं लगेगा, शिफ्ट के साथ सिर्फ ब्रैकेट ऑफ करना है एंड एंटर। तो कुछ इस तरीके से हमने निकाल दिया आंसर, एंड इसमें कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर यूज हो जाएगा। एंड इंडेक्स मैच में क्या हो रहा था कि हम एक एक करके डाटा निकाल रहे थे, इसमें हम एक साथ ही निकाल सकते हैं, इसलिए हम इंडेक्स और डबल मैच का यूज करते हैं। एंड अगर हम इसमें हेडिंग चेंज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इधर फैब लिखा है, मैं इसको हटा देती हूँ, इसकी जगह पे जुलाई दे देती हूँ, तो जो जुलाई का डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा, फैब का डाटा हटके जुलाई का डाटा शो हो जाएगा। एंड फैब मैं लिख दूंगी तो वहां पे फैब का डाटा चेंज होके जुलाई का डाटा चेंज होके वहां पे फैब का डाटा दिखा देगा। तो इस तरीके से हम इंडेक्स मैच का डबल मैच का यूज करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।